ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको ये पांच काम अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि जब कोई काम हम शुरू करते हैं तो उसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि वो काम सफल हो। लेकिन वो जब काम में बाधाएं उत्पन्न हो जाती, काम नहीं बनते, तब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो किसी भी बाधा, परेशानी या किसी काम को सफलता तक पूर्णता से पहुँचाने के लिए आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये पाँच उपाय अनिवार्य रूप से करना ही है। इन उपायों को करने से जिन भी जातकों ने उपाय को किए, उन्हें उनके कार्यों में सफलताएं मिली, उनके काम सिद्ध हुए, और जिस भी योजना से उन्होंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में चीजें की है, उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। अगर आप भी करेंगे तो आपको भी जरूर फायदा मिलेगा। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जातक जब परेशान हो जाते हैं तब जाकर उन्हें चीजें समझ आती है और फिर वो बाद में पश्चाताप करते हैं, तो बाद में पश्चाताप कर कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि ये उपाय कार्य को शुरू करने से पहले ही हम कर सकते हैं और करके हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वो कौन से पांच उपाय है, कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इसलिए करें ताकि आपको आपकी राशि से जुड़े हुए सकारात्मक वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का एक नाम लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, और तुरंत दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि पता लगे कि आप इस वीडियो को यहाँ तक सुनते आए और आपको वो पाँच उपाय पता होने तक आप इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जब कभी भी काम की शुरुआत करें तो वो काम को पब्लिक डोमेन में महिमा मंडल नहीं करना है। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग अपनी प्लानिंग, अपनी बातें कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, सबको बताना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना बंद करें। ऐसा करने से आपके काम में सिद्धि नहीं मिलेगी और जो शत्रु हैं आपके वो जाग जाएंगे और आपके कार्यों में अड़चने और बाधाएं उत्पन्न करेंगे। दूसरा है, जब कभी भी कोई कार्य शुरू करें, एक नारियल लें, उसमें लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपने घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर अर्पित करके आ जाएं। जब अर्पित करें तब हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें, तब हनुमान जी को अर्पित करें, क्योंकि इस कलयुग में जीती सत्ता जो है भगवान हनुमान जी महाराज है, और आपके कार्य में पूर्ण सिद्धि के लिए उनका आशीर्वाद होना अवश्य रूप से माना गया है। तीसरा है, जब भी कहीं कोई कार्य शुरू करें तो कार्य स्थल पर भगवान गणेश की विधिवत पूजा अवश्य रूप से कराएं। नहीं करवा सकते हैं तो भगवान गणेश के नाम का एक नारियल रख दें, कलश में नारियल रखकर आप रख सकते हैं, वो भी भगवान गणेश का ही प्रतिमूर्ति है। अब रही बात चौथा उपाय, अपने कार्यस्थल पर हमेशा ये बात याद रखना कि जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं, जिस भी काम के लिए आप पूरा फोकस कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना अनिवार्य रूप से। बहुत सारे जातक बहुत निराश हो जाते हैं, छोटी सी बातों में परेशान हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से परेशान और हताश नहीं होना है। अगर ये परेशानी और हताश हो रहे हैं तो राहु एक्टिव करोगे, और राहु एक बार पीछे लगा तो शनि भी आपकी बाधाएं उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। पाँचवा और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि कार्यस्थल पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आप खुद करें, करते रहें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। ओम नमः शिवाय।